वालेकुम हम आपको अपने चैनल लेटरी सर्कल में खुश आमदीद कहते हैं अच्छा आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शनल तेरीज ऑफ ट्रांसलेशन इसमें एक तेरीज है वो है ट्रांसलेशन ओरिएंटेड टेक्स्ट एनालिसिस अब ये किसने पेश की थी ये क्रिस्टियाना है या क्रिस्टीना है क्रिस्टीना नोट्स उसने पेश की थी ये थ्योरी और ये तिवरी जो है बेसिकली ये जो सोर्स टेक्स्ट है और टारगेट टेक्स्ट है इसमें ये सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस करती है जिस तरह के हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एनालिसिस होता है तो ये उस सोर्स टेक्स्ट की टेक्स्ट एनालिसिस करता है उसको कम्प्लीटली तौर पर ऑब्जर्व करता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है सोर्स टेक्स्ट में और क्या वो फंक्शनली प्रेजेंट है टारगेट टेक्स्ट में या नहीं तो सबसे पहले ये टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस करता है एट सेंटेंस लेवल और सेंटेंस लेवल ये इसकी एनालेशन करता है अच्छा ट्रांसलेशन की दो टाइप बयान की है नॉर्स ने तो सबसे पहले उसने डोक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन एंड देन इंस्ट्रोमेंटल ट्रांसलेशन अच्छा डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन क्या होती है डॉक्यूमेंट ऑफ सोर्स कल्चर होता है डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन अब डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ सोर्स कल्चर का मतलब ये है कि जब आप एक ट्रांसलेशन करते हैं और उसमें सोर्स कल्चर की जो एलिमेंट है उसकी जो आइडियाज़ है उसकी जो बिलीव्स है वो विजिबल हो ट्रांसलेशन में तो वो एक ट्रांसलेशन कंसिडर किया जाएगा एज़ ए डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन क्योंकि इसमें सोर्स कल्चर के सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है और इसमें जो ओरिजिनल आथर होता है टेक्स्ट का उसने जिस तरह से आइडिया प्रेजेंट की है सोर्स टेक्स्ट के रीडर को तो आप उसी तरह ही टारगेट टेक्स्ट में या ट्रांसलेशन में उसको डिपेक्ट करते हैं जस्ट फॉर इसको आप लेटरी ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं अब लेटरी ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि इसमें जब आप एक ट्रांसलेशन करते हैं फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन की है तो यहाँ पर जो टारगेट टेक्स्ट है जो ट्रांसलेटेड वर्जन है ऑफ़ ए नावल या एक रिसर्च आर्टिकल का तो वो टारगेट टेक्स्ट के जो रीडर है फॉर एग्जांपल उर्दू के जो रीडर है उनको ये कम्प्लीटली एक्सेस देता है कि वो जो सोर्स लैंग्वेज है और सोर्स कल्चर के आइडियाज़ को ये कम्प्लीटली एक्सेस देता है एंड जो टारगेट टेक्स्ट के रीडर होते हैं जो ट्रांसलेशन के रीडर होते हैं उनको पता होता है कि मैं ये जो कुछ पढ़ रहा हूँ ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है ये हमारे कल्चर का या हमारे लैंग्वेज का ओरिजिनल वर्क नहीं है ये सोर्स वर्क नहीं है तो ये होता है डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन इसमें जो सोर्स कल्चर होता है और जो आतर होता है उसकी झलक विजिबल होती है आप सोर्स ट्रांसलेशन की एग्जांपल उसने दी है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी सोर्स डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन कहा जाता है लेटर ट्रांसलेशन को एंड एंड एग्जॉस्टिस जो ट्रांसलेशन है उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री uh, ट्रांसलेशन किया है अब इसका मतलब यह है कि, कि आप जो टारगेट कल्चर है उस कल्चर में या जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेटर जो सोर्स कल्चर है या जो सोर्स लैंग्वेज है उसके कुछ आइडियाज़ को या कुछ वर्ड्स को वो उसी तरह बोरो करता है या प्रेजेंट करता है ताकि वो जो कलर्स है वो लोकल local, लोकलाइजेशन uh, है ऑफ सोर्स लैंग्वेज वो टारगेट लैंग्वेज में हमें नज़र आए जिस तरह के हमने एग्जांपल दी थी कि जापानी का सुशी वर्ड है तो ये इंग्लिश में भी सुशी है आल दो अगर आप इसे ट्रांसलेट भी करें तब भी ये सुशी है जर्मनी का जो क्वार्क है तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चीज़ होता है तो ये इंग्लिश में भी ग्वार के इसे ट्रांसलेट नहीं किया जाता तो ये होता है एक्जोटिस ट्रांसलेशन uh, अब दूसरे जो टाइप ऑफ ट्रांसलेशन है वो है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन। अब इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन को आप सिंपली फ्री ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वो नोट बयान करती है कि इंडिपेंडेंट मैसेज ट्रांसमिटिंग इन टारगेट कल्चर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन में हमने सोर्स कल्चर पर फोकस किया था और यहाँ पर हम टारगेट कल्चर पर फोकस करेंगे और यहाँ पर जो होता है टू तो फुलफ़िल द कम्युनिकेटिव पर्पस जो हमने स्कोप उस में पढ़ा था और इस ट्रांसलेटेड और टेक्स्ट एनालिसिस के मॉडल को आप एक और बात भी कंसिडर कर लें कि इस मॉडल में हमें स्कोप के टेक्स टाइप तिवरी के एंड हॉज मंटारी की जो तिवरी है ट्रांसलेशन एक्शन उसके कुछ एलिमेंट नज़र आएंगे जिस तरह आपको ये एलिमेंट इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन में स्कोप उस तीवरी का नज़र आ रहा है कि टू फुलफ़िल द कम्युनिकेटिव पर्पज़ के जो ट्रांसलेटर होता है वो किस लिए ट्रांसलेशन कर रहा है वो अपना मकसद फुलफिल कर रहा है तो इस ट्रांसलेशन को कहा जाता है इंस्ट्रोमेंटल ट्रांसलेशन और ये हमने पढ़ा था कि जब एक पर्पज़ आपका टॉप प्रायोरिटी होता है तो वो स्कोप उस टीवरी में आता है और यहाँ पर जो रिसेप्शन होते हैं टारगेट टेक्स के या टारगेट लैंग्वेज के उनको ये पता नहीं होता कि मैं जो टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ आया ये हमारे सोर्स लैंग्वेज का है हमारी ही लैंग्वेज का है या ये किसी दूसरी लैंग्वेज से हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किया गया है क्योंकि इसमें जो सोर्स जो टारगेट कल्चर है उसकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है और सोर्स कल्चर की जो नुमाया खसूसियात होती है उनको एवॉड किया जाता है उनको निगलेक्ट किया जाता है और जो टारगेट टेक्स्ट रीडर होता है वो इसे एज ए सोर्स टेक्स्ट कंसिडर करता है क्योंकि उस उसको इस टेक्स्ट में अपनी सारी जो लोकलाइजेशन है अपनी जो कल्चर है आइडियाज़ है वो उसको नज़र आती है और इस ट्रांसलेशन को इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन को नोट्स कहती है कि फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसलेशन क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है जो पर्पस है ट्रांसलेटर का वो प्रिजर्व करता है इस इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन में वो अपने पर्क, पर्पस को सबसे पहले अहम रखता है बाद में वो टारगेट टेक्स्ट, टेक्स्ट के शॉर्ट टेक्स्ट के एनालिसिस को या जो फैक्टर है या जो कोहरस है उनको नेक्स्ट uh, लाता है अपने पर्पस के बाद अच्छा अब जो नोट्स ने टेक्स्ट एनालिसिस के जो मॉडल दिया है तो वो ये है कि टू तो प्रोवाइड मॉडल फॉर एस एनालिसिस अब नोट्स ने इसलिए ये तो पहले तो उसने ट्रांसलेशन की दो टाइप बयान की कि डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन दिन वो टेक्स्ट एनालिसिस के लिए एक मॉडल पेश करती है और वो मॉडल स्पेशली स्टूडेंट्स या जो रीडर या ट्रांसलेटर होते हैं उनके लिए है और इसमें क्या है कि इस मॉडल के ज़रिए वो सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस करे और उस एनालिसिस के लिए वो एक प्रोफाइल बना रहे सोर्स टेक्स्ट का एंड देन इस प्रोफाइल को टारगेट टेक्स्ट से कंपेयर करें और यहाँ पर इस मॉडल में ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट नॉट ओनली फॉर एग्जाम्पल अस्पेसिफिक जानराफिक कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट राधर इसमें आल टाइप ऑफ टेक्स्ट आते हैं इस मॉडल में एंड सिचुएशन भी हर किसम हर तरह की सिचुएशन इट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल आफिक सिचुएशन एंड देन जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि आप सोर्स टेक्स्ट की जो फंक्शन है उसकी जो फीचर है वो अंडरस्टैंड कर सके और फिर उन फीचर एंड फंक्शन को अपने जहन में रखते हुए आप ट्रांसलेशन के लिए एक स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो वो स्ट्रेटजी तो या तो डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रुमेंट, ट्रांसलेशन जेनरेट करेगी या इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन जनरेट करेगी या तो आप फ्री ट्रांसलेशन पर जाएंगे या लेटरल ट्रांसलेशन पर जाएंगे या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पर जाएंगे या फॉरनाइजेशन या डोमेस्टिकेशन पर जाएंगे सो इन स्ट्रेटजीज ये सारे इसलिए आप इनमें से एक को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने जो सोर्स टेक्स्ट होता है उसके फंक्शन या फीचर को ट्रांसफ़र करना होता है तो वो आपने किस तरह करना है वो आपने एक स्ट्रेटी अप्लाई करनी है इन दिन हमने ये कहा था कि इस मॉडल में रीस वर्मर वर्क एनहांसमेंटारी मतलब के तरीनरीज की जो मॉडल है टेक्स्ट टाइप तीरी है वर्मर की जो स्कोप उस टिवरी है एनहोज मंडारी की जो तीवरी है उनकी झलक हमें नज़र आती है इस पूरे टेक्स्ट ओरिएंटेड ट्रांसलेशन ओरिएंटेड टेक्स्ट एनालिसिस में अब यह होता है कि इस जो ट्रांसलेटेड और ये ऑफ कम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड एक्स्ट्रा टेक्स्टुअल एंड इंट्रा टेक्सचुअल फीचर एंड एस टी मतलब यहाँ पर एस टी की हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्सचुअल एनालिसिस भी होंगे एंड इंट्रा टेक्सचुअल मतलब कुछ जो टेक्स्ट की एनालिसिस करेंगे उसमें जो टेक्स्ट है उसके जो मतलब फीचर है फंक्शन है उसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों को हम काउंट करेंगे लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस दिया गया है जो मेन फोकस है इस तीवरी में वो जो एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच है या जो टेक्स्ट एनालिसिस है उस पर दिया गया है एंड देन इस तिवरी में हमें जो उस ट्रांसलेटर है उनके लिए थ्री अप्रोचेस बयान किए कि आप एक ट्रांसलेटर इन तीन अप्रोचों को जहन में रखते हुए ट्रांसलेशन कर सकता है सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस कर सकता है इनमें सबसे है द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन कमीशन अब ये पॉइंट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन कमीशन ये हॉल्स मंडारी की जो थ्योरी है ट्रांसलेशन एक्शन उसमें जो प्लेयर्स है ट्रांसलेशन एक्शन में उनसे लिंक होता है जब अगर क्वेश्चन आता है कि हॉल्स मंडारी का कौन सा पॉइंट इस थ्योरी में लिंक है या डिपेक्टेड है तो आप कह सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन कमीशन तो अच्छा ट्रांसलेशन कमीशन का मतलब यह है कि आप सोर्स टेक्स्ट का एक प्रोफाइल बनाते हैं एंड देन टारगेट टेक्स्ट का एक प्रोफाइल बनाते हैं एंड देन आप सोर्स टेक्स्ट के जो एनालिसिस करते हैं आप उसको कंपेयर करते हैं टारगेट टेक्स्ट से तो इसमें सबसे पहले आता है द इंटेंडेड फंक्शन अब इंटेंडेड फंक्शन ये पॉइंट किस सेलिंग करता है ये स्कोप उस थीवरी से क्योंकि यहाँ पर स्कोप उस थी में हमने पढ़ा था कि टारगेट या जो ट्रांसलेटर होता है उसका टारगेट होता है उसका फंक्शन या पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस लिए ट्रांसलेशन कर रहा है उसी की उसी की नज़र रखते हुए वो अपना ट्रांसलेशन या वर्क परफॉर्म करता है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है द एड्रेसेस अब एड्रेसेस में क्या है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन डिवेलप होता है या इस्टबलिश होता है तो उसमें एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है या रिसप्टेंट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आथर होता है एंड उसके रीडर होते हैं या एक एग्ज़ामिनर होता है उसके स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर और स्टूडेंट्स का ये सारे एड्रेसिस होते हैं या एक स्पीकर होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर स्पीच देता है तो वहाँ पर आम लोग होते हैं वो उसको सुन रहे होते हैं तो ये होते हैं एड्रेसिस रसीज दैन टाइम एंड प्लेस ऑफ अ टेक्स्ट एंड टाइम एंड प्लेस में भी इसको मतलब रखा गया है कि कौन से टाइम पर और कौन से प्लेस पर ये टेक्स्ट इंट्रोड्यूस uh, हुआ था दिन द मीडियम अब मीडियम का मतलब ये है कि ये रिटन में है या ये औरल स्पीच में है एंड आज कल के ज़माने में या ये हार्ड फॉर्म में है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बुक को ले लें वो क्या वो हार्ड फॉर्म में है या, या वो डिजिटल पी डी एफ फॉर्म में मौजूद है नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसमिशन uh, कमीशन में वो है द मोटिव अब मोटिव का मतलब है कि वाई एस टी वाज रिटर्न एंड वाई इट इज़ बी ट्रांसलेटेड जो पॉइंट हमने रजिस्टर में पढ़े थे वही पॉइंट तकरीबन सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्कस हुए हैं कि क्यों ये सोर्स टेक्स्ट लेकर गया था मतलब पर्पस क्या था इसके लिखने का एंड देन अब ये जो ट्रांसफ़र ट्रांसलेशन इसकी हो रही है फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज इसका मतलब क्या है तो ये होता है मोटिव और ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होगा या नंबर वन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन कमीशन इन सारे पॉइंट को एक ट्रांसलेटर ने अपने जहन में रख कर ट्रांसलेशन करनी होती है और इन्हीं के जरिए वो सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस कर सकता है ये है इस मॉडल का मेन एजेंडा नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है द रोल ऑफ एस एनालिसिस मतलब सोर्स टेक्स्ट का एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है आप इसको जो कितनी लीज की वर्क है जिस तरह उसने सोर्स टेक्स्ट की मतलब अपने एनालिसिस की है अपने मॉडल में तो उसी तरह ये भी उससे लिंक करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर मतलब जो एक टेक्स्ट है या कम्युनिकेशन है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है या वो फॉर एग्जांपल लॉ है या वो मेडिकल है या वो साइंस है या वो लिटरेचर है या वो कोई रिलीजियस स्पीच है तो सब्जेक्ट मैटर उसका क्या है एंड देन कॉन्टेंट उसमें कॉन्टेंट किस तरह का कॉन्टेंट है क्या वो फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन के लिए है या वो ओल्ड एज के लिए है इसमें मीनिंग किस तरह डिवेलप हुई है इस सोर्स uh, टेक्स्ट में एंड देन प्री सपोजिशन प्री सपोजिशन का मतलब ये है कि एक ट्रांसलेटर को जो फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट कल्चर होता है एंड सोर्स कल्चर होता है उन दोनों का बैकग्राउंड नॉलेज एक ट्रांसलेटर के पास होता है एंड उसी बैकग्राउंड नॉलेज के बेस पर वो प्री सपोज करता है और किसी कल्चरल आइडियाज़ को किसी रिलीजियस आइडियाज़ को या किसी जानरा की आइडिया को स्पेसिफिकली वो इसको प्री सपोज करता है लेट सपोज किस तरह फॉर एग्जांपल रिपीटिशन अगर आते हैं एक सोर्स टेक्स्ट में रिपीटिशन है और उसको पता है कि अगर मैं ये रिपीटिशन हटा भी दूँ इस टारगेट टेक्स्ट में सोर्स टेक्स्ट से ये हटा दूँ अपने टारगेट टेक्स्ट में तो जो टारगेट टेक्स्ट के रीडर है उनको ये समझ आएगा तो वो इनको ये प्री सपोज करते हैं वो इनको हटा है नेक्स्ट कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं कि वो उनकी एक्सप्लेनेशन करता है लेट सपोज़ और जो अवल है उल्लू है उसको इंग्लिश में या जो इंग्लिश सोसाइटी है उसमें उसको होशियारी का या क्लेवरनेस का सिंबल तुर किया जाता है एंड हमारे यहाँ हम उस शख्स को उल्लू कहते हैं जो मतलब हम उसे सादा या कमकल या बेवकूफ़ समझते हैं या चाइना में उल्लू का निशान उस शख़्स को या नाम उसको दिया जाता है जो मतलब हैप्पीनेस का एक साइन है चाइना में ऑल तो अगर आप ऑल को प्री सपोज करते हैं तो आप उसके लिए कुछ फुट नोट या एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं एंड दिन जो टेक्स्ट कंपोजिशन है मतलब एक सोर्स टेक्स्ट ये सारी सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस हो रही है कि सोर्स टेक्स्ट किस तरह कंपोज हुआ है उसके माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है माइक्रो एलिमेंट में मतलब स्टेजेस ऑफ प्लॉट है मुख्तलफ़ यूनिट्स ऑफ प्लॉट है लॉजिकल रिलेशन है ये सारे होते हैं एंड देन जो माइक्रो एलिमेंट है उसमें जो बिगिनिंग होता है एंड होता है उसमें जो फुट नोट्स होते हैं जो इंटोनेशन व कोटेशन होते हैं ये माइक्रो एलिमेंट है क्या टेक्स्ट कंपोजिशन से कि टेक्स्ट, टेक्स्ट इस चीज़ों से बना है या कंपोज हुआ है नॉन वर्बल एलिमेंट जिसमें मतलब एक अगर सेंटेंस इटैलिक फॉर्म में लिखा है या उसकी फॉन्ट तब्दील है या वो इलस्ट्रेशन uh, उसमें कुछ और है तो ये उस नॉन वर्बल में कंसिडर किया जाता है लेकिन इसमें सिंपल डायलेक्ट मतलब कौन सा डायलेक्ट यूज़ हुआ है सोर्स लैंग्वेज में एंड देन उसमें कौन सा रजिस्टर यूज हुआ है रजिस्टर को तो आप जानते हैं कि मतलब लॉ uh, का रजिस्टर डिफरेंट होता है उसमें एक तरह से वकेबलरी बोली जाती है एजुकेशन का डिफरेंट होता है स्कूल इन्वामेंट का डिफरेंट होता है घर का अलग रजिस्टर होता है यूनिवर्सिटीज़ में या फ्रेंड के साथ आप एक और तरह की गुफ्तु करते हैं एंड दिन इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है अब सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कोई आपने एक्सप्लेशन मार्क की है मतलब रिटोरिकल फीचर इसमें अवेलेबल है या इसमें कोई इंटरागेटिव सेंटेंसेस आपने यूज़ की है सोर्स टेक्स में किस तरह यूज़ हुई है और आप टारगेट टारेक्स में उसे किस तरह डेवलप करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन सुपर सेगमेंटल फीचर मतलब स्ट्रेस इंटोनेशन रिदम वगैरह ये किस तरह अवेलेबल है सोर्स टेक्सट में एंड नेक्स्ट जो लास्ट इसमें फीचर है वो है द फंक्शनल हेरार्की ऑफ ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेशन प्रॉब्लम मतलब ट्रांसलेशन प्रॉब्लम में जितने ट्रांसलेशन में जितने प्रॉब्लम आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपने किस चीज़ पर देना है तो ये वही टॉप टू बॉटम रूल है तो उसमें सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ फंक्शन ऑफ एस टी एंड टी टी टू डायरेक्ट आर एंड डायरेक्ट आर इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन इसका मतलब यह है इस पॉइंट का कि आपने जो सोर्स टेक्स्ट है और टारगेट टेक्स्ट है उनके फंक्शन का कर करना है आपने ये देखना है कि सोर्स टेक्स्ट का क्या फंक्शन है या वो मतलब एक ऑर्डर है या एडवाइस है या किसी चीज़ की तबलीग है उसमें तो इन टारगेट टेक्स्ट में आपने इसे किस तरह इंट्रोड्यूस करना है तो इसी की बुनियाद पर आप अपने क्या ट्रांसलेशन टाइप को कंसिडर कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन uh, करवाना है नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन करवाना है या इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन तो अगर आपने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रांसलेशन करवाना है तो आप वर्ड फॉर वर्ड जाएंगे आपने जो सोर्स कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है एंड इसके अगेंस्ट अगर आपने इंट्र... इंस्ट्रोमेंटल ट्रांसलेशन करवाना है तो आपने टारगेट कल्चर पर फोकस देना है जो सोर्स कल्चर है उसको निगलेक्ट करना है बेक्राउंडेड करना है एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन कमीशन आपने ट्रांसलेशन कमीशन की मतलब एनालिसिस करवानी है कि ट्रांसलेशन कमीशन सोर्स टेक्स में किस तरह से अवेलेबल है और ये टारगेट टेक्स में लेट सपोज अगर आप इसमें एड्रेसिस को देख लें एंड सो एड्रे हमने सेंडर और रिसीवर की बात की है तो अगर सोर्स टेक्स्ट में एड्रेसिस हो वो एक स्टूडेंट और टीचर है और स्टूडेंट और टीचर वो मतलब एक स्कूल का टीचर है और उसके जो स्टूडेंट है वो चिल्ड्रन है लेकिन अगर आप टारगेट टेक्स्ट में इन ही टीचर और स्टूडेंट को कंसिडर कर ले लेकिन आप एक हाई स्कूल के टीचर को एंड यंग चिल्ड्रन को चिल्ड्रन को या यंग बॉयज़ को कंसिडर कर लें तो आपने इस एड्रेज में Uh, मतलब एरर uh, की है या आपने इसे डिलिब्रेटली चेंज किया है और ये आपने किस लिए किया है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन के लिए क्योंकि उसमें आप अपने जो टारगेट है आपका जो पर्पस है आपका जो स्कोप उस है उसको आप फोकस uh, देते हैं एंड देन जो थर्ड नंबर पॉइंट है कि ट्रांसलेशन टाइप्स हेल्प्स टू डिसाइड ट्रांसलेशन स्टाइल यही पॉइंट है कि जब आप एक ट्रांसलेशन टाइप लेट सपोज आप इंस्ट्रोमेंटल ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इंस्ट्रोमेंटल ट्रांसलेशन अगर आपने डन की है सेलेक्ट की है तो फिर ये आपकी हेल्प करता है ट्रांसलेशन स्टाइल में तो फिर ये आप फॉर एग्जांपल जो ट्रांसलेशन कमीशन है उसमें भी कुछ चीज़ों को रदोबदल कर सकते हैं जो रोल ऑफ एसटी एनालिसिस आप सब्जेक्ट मैटर में भी चेंज कर सकते हैं कंटेंट में भी कंटेंट में भी कर सकते हैं टेक्स्ट की जो कंपोजिशन है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रांसलेशन आप इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसलेशन के लिए जा रहे हैं आपने टारगेट कल्चर पर फोकस देना है तो आपका स्टाइल भी डायरेक्टली बदलेगा ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है ये इस मॉडल में ट्रांसलेटर की है कि ट्रांसलेटर किस तरह इन चीज़ों को प्रोफाइल बनाएगा सोर्स टेक्सट का और टारगेट टेक्स का और वो किस तरह पर ये करेगा एंड देन लास्ट जो पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ द टेक्स्ट कैन बी टैकल एट लोअर लिंग्विस्टिक लेवल यहाँ पर ये सारा लास्ट जो पॉइंट है ये एस टी एनालिस है मतलब सोर्स टेक्स्ट की जो एनालिसिस आपने करनी है जो हमने uh, दूसरा पॉइंट था कि इसमें वर्बल नॉन वर्बल सेंटेंस स्ट्रक्चर लेक्सिस वगैरह आपने अगर कोई प्रॉब्लम है कोई आप uh, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड डायरेक्ट या डॉक्यूमेंटर ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं और आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स कल्चर में एक आइडिया है और वो टारगेट कल्चर में मौजूद नहीं है लेट सपोज़ सोर्स लैंग्वेज हमारा यहाँ पर इंग्लिश हो गया उसमें एक आइडिया हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिशचैनिटी या जो कोई ऐसा उनका रिलीजियस बिलीफ हो गया या कोई और एक ऐसी आइडिया हो गया जो कि पाकिस्तानी या उर्दू लैंग्वेज में नहीं है तो आपने इस प्रॉब्लम को किस लेवल पर हल करना है जो एस टी एनालिसिस है यहाँ पर आपने जो लेक्सिस है या जो रजिस्टर है वहाँ से ही एक वर्ड कॉपी करना है बोरो करना है और टारगेट लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटल ट्रांसलेशन भी हो गई और ये प्रॉब्लम सेफ हो गया थ्रू एस टी एनालिसिस सोर्स टेक्स्ट की एनालिसिस के बेस पर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी कारणली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ